हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ लर्न विद वृंदा। सो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन विद पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ बेसिकली द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन पियाजे फर्स्टली गेव कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ चाइल्ड बाय स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ हिज ऑन डॉटर एंड नेफ्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पियाजे ने सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी बच्चों के पियाजे ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड माइंड। ठीक है, किसी भी एक बच्चे के दिमाग के विकास का जो कॉन्सेप्ट था उसे पियाजे ने सबसे पहले दिया था। और इस कॉन्सेप्ट के लिए जो उन्होंने अपनी स्टडी करी थी वो अपनी खुद की बेटी और अपने नेफ्यू के ऊपर करी थी। उन्होंने बाय बर्थ बचपन से उनके बिहेवियर को नोटिस किया, उसे ऑब्जर्व किया, उसको स्टडी किया और उसके बाद आफ्टर ऑल दैट स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ही गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ड्यूरिंग हिज स्टडीज ही गिव्स टू टर्म, वन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड सेकेंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अपनी स्टडीज़ के दौरान उन्होंने दो टर्म दिए जिसमें से पहला था कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और दूसरा था कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जिनके बेसिस पे ये इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। सो व्हाट इज़ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्लूड्स स्कीमा एनी काइंड ऑफ स्ट्यूमुलस एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग इन्वॉल्व्स एसिमिलेशन अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन विच इज़ अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमास के बारे में बात की गई थी, जो कि एक काइंड ऑफ स्ट्यूमुलस था। बच्चों से कोई भी काम कराने के लिए उन्हें जो स्ट्यूमुलस देना पड़ता था उस स्ट्यूमुलस को स्कीमा कहा गया और उसके रिस्पॉन्स में वो जिस तरीके की फंक्शनिंग करते थे उसे कॉग्निटिव फंक्शनिंग कहा गया। इस कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर एसिमिलेशन अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन की बात की गई थी। अब स्कीमा एसिमिलेशन अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस सेशन के अंदर आप बीएड एग्ज़ाम में कैसे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आंसर को लिख सकते हैं 8 मार्क्स में, उसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी को तैयार किया गया। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक। ही क्लासिफाइड डेवलपमेंट इनटू 4 डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट वन इज़ सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड वन इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड वन इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। उन्होंने डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जिसमें पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा स्टेज था प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा स्टेट था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट एंड फोर्थ स्टेट था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट। इन 4 स्टेट के अंदर उन्होंने माइंड ये उन्होंने डेवलपमेंट को क्लासिफाइड किया था कि जब भी डेवलपमेंट होता है तो 4 स्टेजेस में होता है, जिसमें शुरुआत सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज से होती है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेट आती है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट आती है एंड लास्ट में आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट आती है। द प्री ऑपरेशनल स्टेट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इंटू प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड इंट्यूटिव स्टेज। जो आपकी प्री ऑपरेशनल वाली स्टेज है उसे आगे प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड इंट्यूटिव स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। सो ओवरऑल मिला के हो गई आपके 6 डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में शुरुआत होती है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज से, फिर आती है इंट्यूटिव स्टेज, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट। अब इन 4 स्टेट के बारे में डिटेल में बात करते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि कौन सी स्टेज के अंदर किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक या किस तरीके का बिहेवियर शो किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी मोटर स्टेज, द एज ऑफ चाइल्ड इज़ 0 to 2,
विच इज़ इन ईयर. सो बेसिकली 0 to 2 years या न्यू बॉर्न बेबी की ये स्टेज होती थी, सेंसरी मोटर स्टेज. द कैरेक्टरिस्टिक इन दिस स्टेजेस आर अनकंट्रोल्ड रिफ्लेक्सेस, ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांजिस्टरी, एंड एट द एंड ऑफ पीरियड ही एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक थी, जिसमें सबसे पहला था अनकंट्रोल्ड रिफ्लेक्सेस, यानी कि उसके अपने हाथ पैरों की मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड रिफ्लेक्सेस रहेंगे. उसे कब हाथ उठाना है, कब पैर चलाने हैं, कब क्या करना है, उस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा. ऑब्जेक्ट आर ट्रांजिस्टरी, यानी कि जो उसकी आंखों के सामने है केवल वही है. अगर कोई चीज़ उसकी आंखों के सामने से चली गई तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. ऑब्जेक्ट ट्रांजिस्टरी होते हैं. द लास्ट वन इज़ एट द एंड ऑफ द पीरियड ही एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो 2 साल तक आते आते बच्चे इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो गायब नहीं होता है. अगर वो उसकी आंखों के आगे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में ही नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर वो अभी नहीं था तो वो आपकी आंखों के सामने से हटा लिया गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है बट आपकी आंखों के सामने नहीं है. तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के कॉन्सेप्ट को वो बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, अगर मुझे टॉय नहीं दिखाई दे रहा है तो वो टॉय कहीं और रखा हुआ है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉय दुनिया से ही चला गया. सो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक समझ में. पहला, कि अपने हाथों पैरों के रिफ्लेक्सेस पे या मूवमेंट पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, अपनी मूवमेंट पे वो कंट्रोल नहीं कर सकता. उसके लिए ऑब्जेक्ट ट्रांजिस्टरी होता है. अगर वो उसकी आंखों के सामने है तो वो है, और उसकी आंखों के सामने नहीं है तो वो चीज़ दुनिया में नहीं है. बट इस स्टेज के एंड होने तक वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं भैया, ऑब्जेक्ट परमानेंट होता है. अगर वो मेरी आंखों के सामने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में नहीं है, वो है बट मेरी आंखों के सामने नहीं है. ओके, द नेक्स्ट स्टेज इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड इन दिस द एज ऑफ द चाइल्ड इज़ 2 to 8 years. प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे की एज 2 to 8 years होती है. इस स्टेज को दो फर्दर स्टेजेस में क्लासिफाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इन विच 2 to 5 years ऑफ चाइल्ड आर इंक्लूडेड. सो 2 से 5 साल के बच्चों में ये वाली स्टेज नोटिस की जाती है, जिसे प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज बोलते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट मेकिंग से पहले वाली स्टेज. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज? चाइल्ड स्टार्ट्स मेकिंग कॉन्सेप्ट, थिंकिंग एंड रीजनिंग इज इलॉजिकल, चाइल्ड इज ईगो सेंट्रिक, एंड ही और शी इज़ फार अवे फ्रॉम रियलिटी. यानी कि बच्चा जो है इस स्टेज में आकर कॉन्सेप्ट्स को बनाना शुरू कर देता है. इस स्टेज के एंड होते होते उसे कॉन्सेप्ट को बनाना आ जाता है. उसकी थिंकिंग या फिर उसकी रीजनिंग जो होती है वो इलॉजिकल होती है. उसकी सोच का कोई लॉजिक नहीं होता, उसके जवाब का कोई लॉजिक नहीं होता. उसकी रीजनिंग, उसकी थिंकिंग सब इलॉजिकल होती है. बच्चा एकदम ईगो सेंट्रिक होता है. उसके लिए सिर्फ मैं, मेरे खिलौने, मेरी किताबें, मेरा स्कूल, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी, हर चीज़ दुनिया में सिर्फ उसकी होती है. वो बहुत ईगो सेंट्रिक होता है. एंड ही और शी इज़ फार अवे फ्रॉम रियलिटी. उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है. क्या सच है, क्या झूठ है, उसे उन्हें कोई मतलब नहीं है. जो उन्हें समझना है वो वही समझेंगे. आप उनको जो दिखा रहे हो, जो उनके माइंड में चल रहा है, बस वही सच है. उन्हें नहीं पता कि क्या रियलिटी है, क्या इमेजिनेशन है. एवरीथिंग इज़ रियल फॉर देम. अगर एक बच्चे को कार्टून दिखाया जा रहा है तो उसके लिए वो सच है. डोरा एग्जिस्ट करती है, छोटा भीम एग्जिस्ट करता है, माइटी राजू एग्जिस्ट करता है, सब एग्जिस्ट करते हैं आज के बच्चों के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इज़ रियल. सो दिस स्टेज इज़ क्लियर. नेक्स्ट वन इज़ इंट्यूटिव स्टेज. इन दिस स्टेज द एज ऑफ द चाइल्ड इज़ 5 to 8 years. इसमें बच्चे की एज 5 से 8 साल की होती है. उन बच्चों में ये डेवलपमेंट की स्टेज नोटिस की जाती है. He start making concepts, illogical thinking and absence of ability to reverse are some qualities of this stage. Okay? तो बच्चा कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, उसकी इंट्यूशन काम करना स्टार्ट कर देती है थोड़ी बहुत. उसकी थिंकिंग अभी भी इलॉजिकली होती है और उसमें किसी भी चीज़ को रिवर्स करने की एबिलिटी अभी तक डेवलप नहीं होती है. वो चीज़ों को रिवर्स
नहीं कर पाता है। ओके, अब प्री ऑपरेशनल स्टेट के बाद नेक्स्ट आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट इन विच द एज ऑफ द चाइल्ड इज 8 to 12 years, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज इज ही और शी स्टार्ट मेकिंग कॉन्सेप्ट। दे कैन मेक कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली स्टार्ट, दे कैन डेफिनेटली मेक कॉन्सेप्ट। देयर थिंकिंग इज लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, दे हैव एबिलिटी टू रिवर्स, दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम अनटिल दे आर कॉन्क्रीट बट स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। यानी कि बच्चा कॉन्सेप्ट बना लेगा इस स्टेज के अंदर, उसकी थिंकिंग लॉजिकल हो चुकी होगी, सिस्टमैटिक हो चुकी होगी, वो कोई भी चीज़ सोचेगा तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा। कोई भी चीज़ अगर वो सोचेगा तो सिस्टमैटिक वे से सोचेगा, सिस्टमैटिक मैनर में सोचेगा। उसके पास किसी भी चीज़ को उल्टा करने की पावर होगी। अगर आप उससे पूछोगे 2 1 2 कितना होता है तो भी वो बता देगा, सॉरी अगर आप उससे पूछोगे 12 2 कितना होता है तो भी वो आपको बता देगा, एंड 2 into 12 कितना होता है वो भी आपको बता देगा, उसे रिवर्स करना आ जाएगा। उसके पास एबल हो जाएगा कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तब तक जब तक कि वो कॉन्क्रीट है। कोई चीज़ उसके हाथ में है, आपने उसे एक पेपर दे दिया, एक पेन दे दिया, अब आप उससे कह रहे हो कि इसे सॉल्व करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा जब तक वो पेन और पेपर उसके हाथ में है। बट स्टिल इस स्टेज के अंदर भी वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर उसे आप सिर्फ ऐसे ही बोलो विदाउट एनी पेन और पेपर 32 को 35 से मल्टीप्लाई करके बताओ तो वो नहीं कर पाएगा। ही नीड समथिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसका माइंड इतना भी डेवलप नहीं हो पाएगा कि वो प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्टली सॉल्व कर पाए। ओनली ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेन दे आर कॉन्क्रीट, नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ओके, तो वो सिर्फ कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। द लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट एंड द चाइल्ड अंडर दिस स्टेज इज 12 above 12 plus, उनकी एज 12 साल से ऊपर की होती है, एंड दे आर एबल टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम बाय लॉजिकल थिंकिंग, दे कैन बिल्ड मल्टीपल हाइपोथेसिस एंड दे कैन सॉल्व अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जो बच्चा होगा, जो 12 साल की उम्र का बच्चा होगा या 12 साल से बड़ी उम्र का बच्चा होगा, वो अब एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। वो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड प्लस माइनस करके बता सकता है। उसकी थिंकिंग अब ज़्यादा लॉजिकल हो चुकी होगी, वो एक समय पर बहुत सारी हाइपोथेसिस बना सकता है, बहुत सारी थ्योरीज बना सकता है, और किसी एक प्रॉब्लम के लिए वो बहुत सारे सॉल्यूशन को दे सकता है। तो ये डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस थी जिन्हें प्याजे ने दिया था, और इसके बाद इन्होंने बताया, इसी थ्योरी में इन्होंने बताया था कि दिमाग का विकास इन्हीं स्टेजेस के थ्रू होता है। पहले बच्चा जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में अपने सेंसरी मोटर स्किल्स जो होता है उन पे ध्यान देता है। सबसे पहले वो उसके रिफ्लेक्सेस अंडर कंट्रोल नहीं होते हैं, उसकी थिंकिंग का कोई वो नहीं होता। बच्चे शुरुआत में जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है उसके हाथ पैर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। उसके साथ साथ छोटे बच्चे को हमने बोलता है खिलौना चिड़िया ले गई, चिड़िया ले गई, तो बच्चे को लगता है हाँ सच्ची में चिड़िया खिलौना ले गई है। बट उस स्टेज के ख़त्म होने तक उसे ये बात समझ में आती है कि अगर खिलौना नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि चिड़िया ले गई, वो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हाँ वो कहीं किसी कोने में पड़ा होगा या इन्होंने इसको अपने पीछे छुपा रखा है। बच्चे को ये बात समझ में आने लगती है। दूसरी स्टेज पे जब वो पहुंचता है प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, तो उसमें जब पहली प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज होती है इसमें वो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करता है। सोच उसकी इलॉजिकल रहती है, थिंकिंग उसकी लॉजिकल होती है, रीजनिंग उसकी लॉजिकल होती है, उसके कोई भी सवाल का कोई भी जवाब का कोई भी लॉजिक नहीं होता। बस जो उसके मन में आता है वो उतने हिसाब से बोल देता है। बच्चा बहुत ही ईगो सेंट्रिक हो जाता है, उसे सिर्फ अपना 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 दिखाई देता है, मेरे खिलौने, मेरी किताबें, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे कपड़े, बस यही सारी चीज़ें उसको नोटिस होती हैं, बाकी और कुछ पे नहीं दिखाई देता। और वो रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा फार अवे होता है, उसे नहीं पता कि जो चीज़ वो टीवी पे देख रहा है, जो कार्टून्स वो देख रहा है, वो सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। उसके लिए वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज जब उसकी इंट्यूटिव वाली स्टेज आती है, उसमें वो कॉन्सेप्ट बनाने लगता है, थिंकिंग उसकी अभी भी लॉजिकल रहती है, और उसमें चीज़ों को रिवर्स करने की एबिलिटी अभी भी एब्सेंट रहती है।
जब थर्ड स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाली, तो इस स्टेज तक आते आते बच्चा एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बना लेता है, उसकी थिंकिंग लॉजिकल हो चुकी होती है, सिस्टमैटिक हो चुकी होती है, उसे चीज़ों को रिवर्स करने की भी एबिलिटी आ चुकी होती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना शुरू कर देता है। लेकिन वो उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो कि कॉन्क्रीट होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को वो अभी भी इस स्टेज में सॉल्व नहीं कर पा रहा था। लास्ट आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस ऑपरेशनल इस वाली स्टेज के अंदर आते आते बच्चा एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने लगता है, उसकी थिंकिंग जो होती है बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चुकी होती है। अब वो एक टाइम पे बहुत सारी हाइपोथेसिस बना सकता था एक सिचुएशन को लेकर, और साथ ही साथ वो एक प्रॉब्लम को लेकर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे सकता था। बहुत सारी अलग अलग सॉल्यूशन उसके पास होते हैं किसी एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए। अब बात कर लेते हैं कि जब ये थ्योरी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, इसने बच्चों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके माइंड की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में इतने सारी बातें बताई, बट इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी थी। इसकी क्रिटिसिज्म क्या क्या थी? सबसे पहली बात, ही अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटी ऑफ अ यंग चिल्ड्रन, ही फेल्स टू कंसिडर कल्चरल डिफरेंसेज एंड ऑल द परफॉर्म टास्क आर नाउ क्वेश्चन। यानी कि इस पूरी थ्योरी के अंदर जो छोटे बच्चे थे उनकी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया गया कि वो कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते, वो बहुत उनकी रीजनिंग इलॉजिकल होती है एंड बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं होता उनमें, ये क्वालिटी नहीं होती उनमें, वो क्वालिटी नहीं होती। तो उन्होंने यंग चिल्ड्रन की एबिलिटी को बिल्कुल ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, उन्हें कुछ माना ही नहीं, समझा ही नहीं। उसके बाद इन्होंने इस थ्योरी के अंदर कल्चरल डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं किया था। कल्चर का इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट के अंदर पढ़ा होगा कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एनवायरनमेंट का बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कल्चरल डिफरेंस को इन्होंने बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया, जबकि वो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जितने भी टास्क इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए परफॉर्म किए गए थे उन सब पे आज की डेट में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसीलिए इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म यही तीन क्रिटिसिज्म थे। अब बात कर लेते हैं ये एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है इस थ्योरी की, हम इस थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं या फिर हम इस थ्योरी को पढ़कर आज की डेट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज़ टीचिंग थ्रू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लाइक चार्ट डायग्राम एक्सेट्रा, give opportunity to solve things logically and scientifically, give opportunity to explore hypothetically, teach broad concept just not fact by using material relevant to student's life, which means हमें पता चला कि जो बच्चा होता है, जो 12 साल तक का बच्चा होता है, वो कॉन्क्रीट चीज़ों से जल्दी समझता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जब तक कि वो कॉन्क्रीट होती है, तो कॉन्क्रीट चीज़ों से जल्दी समझ में आती है। तो आप बच्चों को पढ़ाते टाइम चार्ट्स या डायग्राम्स या फिर मॉडल्स वगैरह का यूज़ करेंगे तो बच्चे को कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा। तो हमें टीचिंग करते टाइम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, इस थ्योरी में हमें पता चला था कि बच्चे जो होते हैं वो लॉजिकली और साइंटिफिकली थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं, तो हमें उन्हें ये मौका देना चाहिए, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को साइंटिफिकली या फिर लॉजिकली सॉल्व कर सके, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए हमने एक प्रॉब्लम लिखी और उसको सॉल्व कर दिया खुद ही, उन्हें भी मौका देना चाहिए ताकि वो अपने दिमाग को चला सके, उसके दिमाग का डेवलपमेंट हो चुके। गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर हाइपोथेटिकली, उन्हें ऐसे सिचुएशन देनी चाहिए ताकि वो हाइपोथेटिकली सोच सकें, एक्सप्लोर कर सकें किसी भी सिचुएशन के बारे में। एंड द लास्ट वन इज़, हमें सिर्फ उन्हें फैक्ट्स नहीं पढ़ाने चाहिए, हमें उन्हें बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ाने चाहिए ताकि उनकी थिंकिंग को, उन्हें सोचने का मौका मिले, उनके माइंड को डेवलप होने का मौका मिले। और उसको उसके लिए उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए हमें ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए जो कि उनकी थिंकिंग को
हेल्प कर सके, उनकी थिंकिंग के अंदर हेल्प कर सके। आई होप कि आप लोगों को जीन प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा और अब इस आंसर को आप आराम से अपने बीएड के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आपको इसी तरीके से लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है, फिर हमें उसकी स्टेजेस के बारे में बताना है। आफ्टर डैट आप स्टेजेस की हेडिंग डालते जाइए, पॉइंट में उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करते जाइए। आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में और हेडिंग के थ्रू आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। आप डिटेल में लिखना चाहे, पैराग्राफ में लिखना चाहे, इट्स ऑल अप टू यू। आपकी जो विषय आप जैसे लिखना चाहे, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप लिख सकते हैं, बट द सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे इज़ दिस, यू कैन यूज़ हेडिंग एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट सम पॉइंट्स और सम कैरेक्टरिस्टिक। हेडिंग डालिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन लिखिए, लास्ट में क्रिटिसिज्म एंड एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन आपको लिखनी ही लिखनी है इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर इन योर बी एड एग्ज़ाम। एंड आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके आपका आंसर लेंथी भी लगेगा, साथ के साथ आपकी हेडिंग्स जो है आपके आंसर्स को दूसरों से डिफरेंट बनाएंगी। आपकी हेडिंग्स आपके आंसर को हाईलाइट करेंगी। आप पैराग्राफ में पॉइंट को लिखोगे तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, आप पॉइंट में लिखोगे तो वही चीज़ आपकी आंसर की उसको भी कवर, लेंथ को भी बढ़ाएगी, पेजेस भी कवर करेगी और आपका आंसर बड़ा भी लगेगा। साथ के साथ टीचर को पता भी चलेगा कि आपने टू द पॉइंट बात लिखी है, बच्चे को पता है कि मेन मेन चीज़ें क्या थी। बट आप जैसे आंसर लिखना चाहे, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, इट्स ऑल अप टू यू, आप मानना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर दिस लवली सेशन।